नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों कल गेम प्ले नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी है यार, बहुत ज़्यादा दिल से, क्योंकि यार कल थोड़ा बिजी था और थोड़ा टेंशन में था, इसलिए थोड़ा गेम प्ले नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी है। चलिए आज मैं आपको जो गेम प्ले लाने वाला हूँ और जो दिखाने वाला हूँ, ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पबजी के अंदर ज़्यादातर जो जोन बन रहे हैं वो पहाड़ों के ऊपर बन रहे हैं, और ऐसी जगह पर बन रहे हैं जहाँ पर बहुत से बंदे चढ़ नहीं पाते, और अगर वो चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर फाइट नहीं ले पाते। तो आज मैं गेम प्ले के अंदर आपको चढ़ के भी दिखाऊंगा, फाइट करके भी दिखाऊंगा, और चारों तरफ से अगर गोलियां चल रही हैं तो ऐसे मोमेंट में आपको कौन सा मोमेंट करना चाहिए, और अगर बंदा घर के अंदर है या फिर कहीं पे कैंप किए बैठे हैं तो उन बंदों को कैसे मारना चाहिए, इनके बारे में भी सब डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। तो इसके पूरी पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, बस सही से वीडियो को देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग थर्ड हिल में उतर चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्ड हिल में उतरने के बाद यहां पर भाई एक स्क्वाड आई हुई थी, स्क्वाड के भाई सारे बंदे लगभग हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे, ठीक है। और फिनिश करने के बाद यहाँ पे भाई एक बंदा कहीं पे था जो हमें नहीं दिख रहा था, हम लोग उसको ढूंढ रहे थे अगल बगल ही, तो मुझे नहीं दिखा वो बंदा किधर गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये बंदा यहाँ पे, मैं इसके पास पहुँचा उससे पहले उसने नेड़ फेंक दिया, तो मैंने सोचा फाइट लेने से अच्छा यहाँ से भागो, नहीं तो नेड़ में मार देगा मुझको। तो मैंने यहाँ से गया और मैं साइड से सीधा उसके बिल्डिंग के ऊपर रस करने जा रहा था, क्योंकि भाई मैंने उसकी लोकेशन देख ली थी और मुझे पता था उसके पास अभी भी कोई नेड़ हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग साथ में सब लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल मतलब एक साथ जाने की प्लानिंग की और ऊपर गए एक साथ और बंदे को पूरा फिनिश करेंगे। देखो एक बंदा ऊपर गया और पीछे से उसने तुरंत नेड फेंक दिया, इस हिसाब से गए कि बंदा अगर एक को मार भी देना तो बाकी के तीन बंदे उसे बचा लें। तो यहाँ पे देखो भाई एक बंदा मेरा उसको रिवाइव करने जाएगा, दूसरा बंदा, दो लोग हम यहाँ पे तगड़ा वाला फाइट देंगे। तो इसको मैंने फाइनली फिनिश कर दिया, जो मेरा टीममेट नॉक हुआ था उसको हम लोगों ने रिवाइव कर दिया, इस तरह से आसानी से हम लोग उसको विन कर पाए। नहीं तो बंदा ऐसे बैठा था कि अगर एक एक लोग जाते वहाँ पे तो भाई वो एक एक करके सबको मार देता, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी कहाँ पर घुसा था वो मतलब पीछे बैठा हुआ था, जो भी बंदा आ रहा था वहाँ पर उसकी नज़र नहीं जा रही थी तब तक वो बंदे को फिनिश कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कोशिश करिए कि सब लोग एक साथ जाइए, कि अगर वो एक को नॉक भी कर दे तो बाकी के दो तीन बंदे जो हैं वो उसको ढूंढ के फिनिश कर दें, और जो नॉक वाला बंदा है वो दोबारा से रिवाइव भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ का जरूर याद रखिए। तो चलिए आगे का गेम प्ले बताने से पहले पिछली वीडियो को टॉप 10 कमेंट को शॉर्ट आउट देख लाकी कमेंट को पिन करते हैं, तब तक आप लोग बैकग्राउंड में चल रहे गेम प्ले को इन्जॉय करो। तो आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है ऋतिक, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है दीपुन, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है एस एफ आर्मी, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट गेमो बॉय, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है वाई एस के, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है भारत, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है परवाज को, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट स्टाइलिश पबजी, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है लाइट बैटल, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है स्टील चौहान को, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है प्रवाज खान को, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट आउट जाता है प्रशांत को, इन्होंने लिखा है बहुत सही भाई, ओके ब्रो लव यू एंड बहुत सारा प्यार है मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से एक लकी कमेंट को पिन कर लेते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों आज का लकी कमेंट जाता है भाई पबजी गेमर को, इन्होंने लिखा है ब्रो पबजी लाइट खेलकर पैसे कैसे कमाएं, मैं बहुत लेट कमेंट किया। तो भाई मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि भाई देखो पबजी खेलकर आप टूर्नामेंट खेल के बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, अगर मुझे टाइम मिला थोड़ा सा तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी बनाने के लिए। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, अगर हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने कॉमेंट किया सबको लव यू एंड बहुत सारा प्यार है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से नॉर्मल आई लूट करके एक दो बंदों को मार के वहाँ से निकल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई हमें पीछे से मार देता है भाई। तो देखो पीछे से मारने का एक ही मकसद ये होता है कि भाई जब भी आप जोन के अंदर आओ या जोन के अंदर अगर आप ऑलरेडी हो और जोन पीछे से आगे की ओर आ रहा है तो अपनी एक नज़र भाई पीछे भी रखो, यानी कि अगर आप 5 सेकंड तक आगे देखते हो तो 1 सेकंड के लिए पीछे भी नज़र रखो। जैसा कि आपने देखा पीछे से एक बंदा जोन की तरफ से आ रहा था, अगर इस बंदे को हम लोग नहीं देखते और लेट जाते या फिर दौड़ रहे होते कुछ भी कर रहे होते तो ये बंदा आसानी से हमें मार देता। तो ऐसी गलती मत करना, जब भी खेलना आगे और पीछे दोनों तरफ देखना। लोग क्या करते हैं जैसे जोन बन जाता है पीछे देखना बंद कर देते, उनको लगता है जोन से कोई नहीं आएगा। भाई तुम्हें बता दें कोई कोई ऐसे ऐसे रैंक पुशर होते हैं जो भाई लास्ट के जोन में तक समझ लो मेडिकिट लगा के बैठे रहते हैं, ये याद रखना, और लास्ट में एकदम से धमाका अटैक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभल के रहना। बहुत से लोग बोलते हैं पहाड़ से हमें गोली चलती है हम कुछ नहीं कर पाते मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ये बंदा है जिसको मैं मार रहा हूँ, ये देखो नॉकआउट हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखना हर टापू पे हर पहाड़ के हर जगह पे बंदा तुम्हें देखने को मिलेगा, हर जगह पे बंदा बैठा होगा। देखो मैं कैसे इन सब पूरी टीम को
खत्म करता हूँ आसानी से, आप ध्यान से देखना ठीक है। देखो अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट जो है वो गलती से नॉक हो गया, उसको किसी ने नॉक कर दिया ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सीधा रस करने वाला हूँ। ये बंदा इतनी तगड़ी कैंपिंग किए हुए था, सबको मार रहा था, मैंने इसको जाके सीधा फिनिश कर दिया। जब भी किसी टीम पे फिनिश करना तो कोशिश करना कि दो दो का ग्रुप बना के जाना, मतलब जैसे दो पहाड़ है दोनों तरफ से पड़ रही तो दो दो का ग्रुप बना के जाना ठीक है। और एक को जैसे ही खत्म कर लो जो दूसरे वाले के पास जो जा रहा है उसके पास तुम भी चले जाओ, कि अगर वो गलती से नॉक भी हो जाए तो तुम पीछे से जाके उस बंदे को मार दो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस बंदे ने तुम्हारे बंदे को मारा, तुम्हारे बंदे ने एक भी गोली नहीं मारी, मारा तो होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको खत्म किया, लेकिन उस तरफ से एक आरपीजी वाला था, बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने सीधा आयरन साइड एकेएम को, भाई एकेएम का कभी भी चलाना आयरन साइड चलाना। आयरन साइड में होता क्या है कि जरा सा भी अगर बंदे को कुछ भी दिख रहा है ठीक है तो वो चिपक जाती है ठीक है। आयरन साइड अगर रेड डॉट होलो लगाओगे तो बहुत ज्यादा दूर का अगर मारोगे तो गन उछलती है, ऊपर को भागती है ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप आयरन साइड कर रहे हो और जायरो प्लेयर हो ठीक है, जायरो के बारे में नहीं जानते हो, इन सब की वीडियो बना दिया, जाके चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे ठीक है। पबजी मोबाइल लाइट बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, जाके देख लेना, सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है। तो उसको आराम से मारा, देखो उस बंदे को मैंने नॉकआउट कर दिया लेकिन उस बंदे का मेरे पास किल नहीं आएगा। ये देखो एक बंदा, ये इसको M4 से देखो मैं मार रहा हूँ तो नहीं पड़ रही, और यहीं पर अगर AKM से मारता तो उसके ऊपर पड़ती ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है, M4 वगैरह होती है मतलब क्लोज रेंज में रस रस करने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत दूर से अगर चलाना तो M4 को 6x के साथ चलाओ तब बढ़िया चलती है, उसको 3x बना लो फिर उसका स्प्रे दो बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर दूर से मारना है और रेड डॉट होलो लगा के मारोगे तो इतना अच्छा चिपक नहीं पाती, ऊपर को हटती है ठीक है। और ज्यादा दूर के बंदे को मारना है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, स्कोप नहीं है, तो कोशिश करिए आयरन साइड चलाने की, आयरन साइड जल्दी चिपकता है ठीक है। अब यहां पे देखो AWM मिल गया, मुझे 4x भी मिल गया यहां पे। अब मैं करने वाला हूं धमाका ठीक है। मैं सोच तो रहा था कि मैं पहुंच जाऊं लेकिन भाई इतनी दूर जोन बना था कि वहां तक पहुंचना ही मेरे लिए असंभव टाइप में लग रहा था, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दूर है जोन, देखो कहाँ पे बना हुआ है जोन ठीक है। अब हम लोग के पास यहाँ पे ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, तो अब यहाँ पे हम लोग को पूरा पूरा भाई पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कोई बंदा दिख जाए तो यहीं से लुढ़का दूं, क्योंकि भाई अभी लाइव थे 11 बंदे और हम लोग बचे 3 बंदे। एक बंदे को गलती से किसी ने मार दिया वहाँ पे तो बंदा चला गया। देखो मेरा एक टीममेट और है जो नॉक हो चुका है, वो बहुत आगे निकल गया था, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको बचाने की लेकिन बचा नहीं पाएंगे शायद, बहुत दूर है वो ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन जब पड़े कि बिल्कुल लास्ट का जोन है और आपको एनिमी को भी मारना है बचाना भी है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन में देखो ये एनिमी जो है, ये टीममेट जो है, ये नहीं बच पाएगा क्योंकि लास्ट का जोन है, बचेगा नहीं, तो उसके पास मेडिकेट भी नहीं थी तो वो फटाफट से भागने लगा, उसने कहा कि भाई निकल जाओ। और ऐसे टीममेट आपके टीम में होने चाहिए कि अगर आपको लगे कि नहीं आप नहीं बच पाओगे तो अपने टीममेट से बोल दो भाग जाए, क्योंकि भाई उसको नहीं मिलेगा तुमको तो मिल जाएगा। देखो ये एक बंदा था, ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा था वहाँ पे, कुछ कैंप कर रहा था, तो मैंने इसको सीधा एक बार में लपेटा। जब भी बंदे को लास्ट में लपेटो एक बार में लपेटो, पूरा का पूरा खा जाओ एक बार में ठीक है। देखो मैंने उसको नॉक, लास्ट के जोन में नॉक करके छोड़ने की बढ़िया प्रैक्टिस होती है, क्योंकि भाई नॉक करके छोड़ दोगे इतनी तेज जोन काटता है कि रिवाइव भी नहीं हो पाएगा ठीक है, हील होने का कोई चांस नहीं है, और हील तुरंत तुरंत लेते रहो। देखो यहाँ पे मुझे जोन बहुत ज़्यादा काट रहा है, मैं फटाक से हील लूँगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बंदों के कोई लोकेशन नहीं मुझे पता है कहाँ पे हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम आके लेट जाएंगे, क्योंकि लेटने पर होता क्या है कि अगर बंदा मारेगा भी तो इतनी जल्दी मेरे पे नहीं पड़ेगी। बस इतना है कि AWM से मुझे बचना है तो थोड़ा हिलते डुलते रहना होगा। ये देखो ऊपर बंदा है, तो इसको मैंने मारने की कोशिश की लेकिन मेरे मारने से पहले मेरे टीममेट ने उसको मार दिया। अब ये बंदा आया तो मैं इसको मारने ही वाला था कि उससे पहले ही नीचे आके वो नॉक हो गया और सीधा फिनिश हो गया ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे भाई बंदा अभी भी बचा हुआ था दो, अब ये दो बंदे नहीं दिख रहे थे किस तरफ हैं, तो मुझे भाई थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इस घर के अंदर होंगे, तो मैं इस घर के ऊपर रस करने गया। जैसे ही भाई रस करने जब भी जाना नेड ईयरफोन जरूर लगा के गेम प्ले कराया करो, तो यहाँ पर भाई नेड की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि मतलब भाई किसी ने नेड फेंका, तो मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। और जैसे ही भागा वो टीममेट नीचे आ गया। देखो वो क्या किया था कि अपने पास नेड फेंक के आ गया था, जो मैंने पिछली बार ट्रिक बताई थी ना, इसने वही ट्रिक मेरी ही ट्रिक मेरे ही ऊपर अप्लाई कर दी कि नेड फेंक के वहाँ से भाग गया। हम लोग जब उसको मारने जाते तो ब्लास्ट हो जाता नेड, हम लोग मर जाते वो बच जाता, लेकिन हमको नेड की आवाज़ सुनाई दे दी तो हम उससे पहले ही नीचे आ गए और इसको आराम से पीछे से आके फिनिश कर दिए ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से चिकन डिनर कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। अगर आप इस तरह से खेलेंगे 101% आपको चिकन डिनर मिलेगा। आज का गेम प्ले कैसा लगा, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके बताना। उम्मीद करूंगा गेम प्ले आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया वीडियो को दिल से लाइक एंड शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग कोलोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।